हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम घर पर ही फोंडेंट की रेसिपी देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है पानी, वाटर इन अ स्मॉल बाउल, और उसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून ऑफ जिलेटिन और उसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो हमें इसको रखना है तो उसी वक्त हम इसमें लेमन जूस भी मिला देंगे। लेमन जूस हम लेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश लाइम जूस। अब ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विड ग्लूकोज है। इसे मैंने घर पे ही बनाया है। रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन। ये एडिबल ग्लिसरीन होता है, प्योर ग्लिसरीन। इसे हमने लिया है 3 टीस्पून, और अगर हमें इसमें फ्लेवर डालना है तो वो भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अब हमने जो जिलेटिन को साइड में रखा था उसे हम माइक्रोवेव में 15 सेकंड्स के लिए हीट अप करेंगे, और हमारा ये जो लिक्विड ग्लूकोज का मिक्सचर है उसे हम अच्छे से, जो भी हमने उसमें चीज़ें डाली है उसको मिक्स कर लेंगे। और उसमें ये जो हमने जिलेटिन को गर्म किया है उसका जो मिक्सचर बना है इसे भी उसी में ऐड कर देंगे। ये जो मैं रेसिपी दिखा रही हूँ इसका टेस्ट और इसका स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट के फाउंडेंट से। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को। ये आप देख सकते हैं, हम दोनों मिक्सचर को मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे आइसिंग शुगर। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे आइसिंग शुगर इन अ बाउल। हम बाउल ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, या आप मैंने परात ली है। यहाँ पे मैं जो ये बता रही हूँ ये 1 kg शुगर के लिए बताया है, पर हम जब स्टार्टिंग में लेंगे तब हम 1 kg शुगर नहीं लेंगे, हम लेंगे नियर अबाउट 1/2 kg शुगर, क्योंकि हमें बाद में भी उसमें ऐड करने के लिए शुगर लगेगी। नाउ यू कैन सी इट इज़ अ पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर। इसमें छोटे छोटे लम्स हैं, वी हैव टू ब्रेक दिस लम्स। एंड अब जो हमने मिक्सचर बनाया है एडिंग इट ऑन दिस फर्स्ट मिक्सचर, और हम इसको शुगर में डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे वुडन स्पून से।
ये आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से हमें रेडी करना है। इसे हमेशा मिक्स करते जाना है और उसको स्ट्रेच करते जाना है, इससे इसकी स्ट्रेचिबिलिटी अच्छी होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेचिबिलिटी बहुत अच्छी आई है, पर इसे हमेशा हमें प्लेन पाउडर शुगर जो होती है वो यूज़ करनी पड़ती है। अगर हमें कोई टॉय बनाना है तो भी, या फिर हमें कोई भी इस पर वर्क करना है तो हमें प्लेन पाउडर शुगर ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आपको लगेगा, बट ये मैंने इतना डिटेल वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि फॉन्डेंट घर पे बनाना बहुत इजी है, बस उसको अगर हम सही तरीके से बनाएं तो वो बहुत अच्छा बनता है। हम जब केक के भी लगाते हैं तब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ठीक लगाएं, क्योंकि फॉन्डेंट बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो हम उसमें पतली सी लेयर भी बनाकर लगा सकते हैं। अब हमें जब इसे स्टोर करना होता है तब हम सिंपल वेजिटेबल ऑयल लेकर इसके ऊपर एक कोटिंग लगा देंगे, मींस इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसको प्लास्टिक फाइल में रैप करेंगे, क्लिंग फाइल में भी कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट में भी कर सकते हैं, और एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे फ्रिज में, तो ये आराम से रहता है, इसको ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है ये। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए टॉयज़ बना के दिखा रही हूँ। हम बहुत इजीली इससे फ्लावर्स, एनिमल्स, या फिर हमारे पास यदि कटर हैं तो उससे हम कटिंग करके भी एनिमल मोटिव्स बना सकते हैं। ये देखिए इस पर तेल लगा कर रेडी कर लिया है मैंने, और एयरटाइट बॉक्स में प्लास्टिक में रैप करके रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा फॉन्डेंट की रेसिपी, फॉन्डेंट होममेड फॉन्डेंट रेडी हो गया है। ये हमने इससे एलिफेंट बनाया है, इसके लिए मैंने जो नॉर्मल बच्चों के कटर होते हैं वही यूज़ किए हैं, ये उनके क्लीनर भी आते हैं, और बाकी भी हम छोटे छोटे मोटिव इससे बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चों को इसे खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, और आपका कैसे बना ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।